हाँ बोलो। हेलो सर, आज मुन्ना की माँ और उसकी छोटी बहन सुबह सुबह घर से बाहर निकली है और मुझे पूरा शक है वो मुन्ना से मिलने जा रही है। अच्छा, तुम उसका पीछा करो, उस पर नजर रखो, मैं वहां पहुंचता हूँ। देख मुन्ना, बच्चे को छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं डॉक्टर, जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह के सबूत इकट्ठे नहीं कर लेता तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। आप मुन्ना से पार्क में मिले थे और अभी आप कह रही हैं कि आपको नहीं पता कि मुन्ना कहाँ है। बताइए कहाँ है वो। हम नहीं जानते कि भैया वहां कैसे पहुंचे, हम तो माँ को घुमाने गार्डन गए थे। बता भी नहीं देती पुलिस को कि मुन्ना कहाँ है। आप जानती हैं ना? हम नहीं जानते कि मुन्ना कहाँ छिपा है, नहीं तो हम खुद उसे कान से पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते। हम मुन्ना को नहीं, मुन्ना की आत्मा को बचाना चाहते, मुन्ना के जमीर को बचाना चाहते हैं हम, मुन्ना की इंसानियत को बचाना चाहते। यकीन मानो, हम नहीं जानते मुन्ना कहाँ छिपा है। झूठ बोल रही हैं आप। आपकी बड़ी बड़ी बातों से मैं धोखे में नहीं रहने वाली। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुन्ना कहाँ है और उस दिन आप दोनों से वहां गार्डन में मिलने भी गई थी। बहुत परवाह है ना आपको अपने बेटे की, लेकिन इस बेटी का क्या जिसके पिता की हत्या कर दी गई और वो भी आपके बेटे ने की। मुन्ना को बचाने की जितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। अब मुन्ना को जहां मर्जी छुपा ले, मैं उसको ढूंढूंगी। अपने पापा के कातिल को सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। अगर मैंने आपके बेटे को फांसी के फंदे तक नहीं चढ़ाया तो मेरा नाम भी अंबिका नहीं। अपने पापा के कातिल को सजा मैं जरूर दिलवाऊंगी, समझिए। निकाल ली अपने दिल की भड़ास, कम से कम तुम अपने दिल की भड़ास तो निकाल सकती हो। हम तो वो भी नहीं कर सकते, खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए हैं हम। बिटिया, एक उपकार हम पर करो, हमारे बिटुआ को पकड़कर फांसी लगा दो, तब
तभी हम माँ बेटी को शांति मिलेगी, सुकून की चैन ले सकेंगे हम। और अगर हमारे बिटवा को नहीं पकड़ सकते तो हम अभागिन माँ बेटी को फांसी लगा दो। हम नहीं जीना चाहते, एक एक सांस में भारी पड़ रही है। हम मुक्ति चाहते, हमें मुक्ति दे दो बेटी, हमें मुक्ति दे दो। अंबिका जी, आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो जाकर पूछ लीजिए पुलिस से कि जब भैया पुलिस के हाथ से बचकर भाग रहे थे तो माँ चिल्ला चिल्ला कर उनसे क्या कह रही थी। माँ चिल्ला चिल्ला कर भैया से आत्मसमर्पण कर देने के लिए कह रही थी, पुलिस इस बात की गवाह है। लेकिन भैया नहीं रुके, उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें पकड़कर मार देगी, लेकिन वो कह के गए कि अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर ही वो पुलिस के पास जाएंगे। बेगुनाही का सबूत लेकर? जी अंबिका जी, वो बेगुनाह है, उन्होंने आपके पिता की हत्या नहीं की है, उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। भैया तो किसी का खून कर ही नहीं सकते, उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम जरूर रखा है लेकिन उनकी इंसानियत अभी जिंदा है, वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहते। अंबिका जी चले जाओ यहां से। अंबिका जी, मैं आपको सच्चाई बताए बिना नहीं जाऊंगा, मेरी बात का यकीन कीजिए। झूठ बोल रहा था, चले जाओ यहां से, मुझे बहलाकर तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं अंबिका जी, मेरी बातों का यकीन कीजिए। उस दिन मैं आपके पिता को मारने के लिए गया जरूर था कादर के साथ, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई, मैं एक निर्दोष के ऊपर गोली नहीं चला पाया था, गोली कादर ने चलाई थी और सब लोग यह समझता कि गोली मैंने चलाई है। मैं बेकसूर हूँ, मुझ बेकसूर को फंसाया जा रहा है। अंबिका जी मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारा नाम राधा है ना? जी। राधा, मुजरिम कभी ये नहीं कहता कि उसने गुनाह किया है, बहुत कम गुनहगार ऐसा होते हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने गुनाह किया है। तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और तुम लोग भी उसके झांसे में आ गए। खैर, मुझे माफ कर, गुस्से में आकर न जाने मैंने तुम्हारी माँ को क्या भला बुरा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। मुझे यूं लगा कि आप लोग मुन्ना को पुलिस से छिपा रहे हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग बेकसूर हैं, गुनाह मुन्ना ने किया है और उसकी सजा भी उसी को ही मिलेगी, आप लोग को नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भाई। अब मैं आपको ज्यादा देर तक लॉकअप में नहीं रहने दूंगी। हमें मुन्ना को कैसे भी पकड़ना है। मुन्ना की मां और बहन को लॉकअप में डालने का ऑर्डर आपने दिया इंस्पेक्टर? जी बिल्कुल, मैंने ही दिया। मुन्ना को पकड़ा आपने? जवाब दीजिए इंस्पेक्टर, क्या मुन्ना को आपने पकड़ा? अंबिका, डोंट मिसबिहेव ओवर हियर, ये आपके अखबार का ऑफिस नहीं, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, समझी आप? और रही बात मुन्ना की, तो मैं उसे गिरफ्तार करने ही वाला था, लेकिन अचानक बच्चा बीच में आ गया, उसने बच्चे की ढाल बनाई और फरार हो गया। और आपने उसे फरार नहीं दिया? क्यों इंस्पेक्टर, क्यों? क्यों आपने कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं बच्चे की जान का रिस्क नहीं ले सकता था, समझिए आप? कैसी बातें करते हैं आप इंस्पेक्टर, एक बच्चे की वजह से आपने उसे जाने दिया? आपको बच्चे का शूट कर देना।
देखा। What? हाँ इंस्पेक्टर, अगर आप बच्चे को शूट करते तो मुन्ना खुद ब खुद आपकी गिरफ्त में होता। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिसंबिका? आप जानती है कि आप क्या कह रही हैं? अरे हम एक बेगुनाह बच्चे की जान कैसे ले सकते थे, बताइए ना आप मुझे। आपसे किसने कह दिया कि वो बच्चा बेगुनाह था? मिसंबिका, मुझे लगता है कि आपकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए जाइए घर और आराम कीजिए। मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर। अगर आपकी दिमागी हालत ठीक होती तो आप ऐसी बकवास ना करती। वो बच्चा भला गुनेगार कैसे हो सकता है? हाँ इंस्पेक्टर, वो गुनेगार है। वो गुनेगार है क्योंकि उसकी वजह से मुन्ना भागने में कामयाब हो गया। वो गुनेगार है क्योंकि वो मुन्ना के साथ था। वो गुनेगार है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए वहां बीच में आ गया था। अंबिका आप पागल हो गई है। कुछ भी बोले जा रही है। अब वो बीच में आ गया, इसमें उसका क्या कसूर? यही तो मैं कह रही हूँ इंस्पेक्टर, इसमें मुन्ना की माँ और बहन का क्या कसूर? क्यों क्यों आपने उन्हें लॉकअप में बंद करके रखा है? यही तो गलती कर रही हैं आप मिस अंबिका, कि मुन्ना की माँ को, उसकी बहन को, उस बच्चे को एक ही तराजू में तोल रही हैं आप। ये गलत है। अरे उस बच्चे का मुन्ना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसकी माँ और बहन का लेना देना है, क्योंकि वो लोग कातिल के सगे वाले हैं। लेकिन कातिल तो नहीं है ना इंस्पेक्टर? सिर्फ इसलिए कि वो कातिल की माँ बहन है, उन्हें परेशान करने का आपका हक नहीं बन जाता? वो दोनों बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें छोड़ दीजिए। और वैसे भी कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि किसी मुजरिम के घर वाले भी मुजरिम होते हैं? बताइए ना इंस्पेक्टर, जवाब दीजिए। देखिए अंबिका, हम उन दोनों से मुन्ना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो आप लोग बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग हमेशा गलत जगह पर कोशिश करते हैं। हम मुन्ना को पकड़ने के लिए आप दो लाचारों पर अपना जोर चला रहे हैं। क्यों इंस्पेक्टर? अब मुन्ना की माँ और बहन से तो आप पूछताछ कर ही चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगता है कि वो लोग कानून को धोखा दे रहे हैं, तो फिर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप पागल हो चुके हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने मुन्ना की माँ और बहन को नहीं छोड़ा तो मैं कोर्ट जाने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी इंस्पेक्टर। देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पूछताछ कर ली, उन्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा। देव, मुन्ना की माँ और बहन को छोड़ दो। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या किया सर आपने? देखो उन दोनों को लॉकअप में रख के कोई फायदा नहीं था। अंबिका बिल्कुल सही कह रही थी कि वो दोनों बेकसूर हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करना हमारा फर्ज था, वो हमने कर दिया। मुझे भी ये लगता है सर कि हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मुन्ना इनसे मिलने की कोशिश दोबारा जरूर करेगा जिस समय हम उसे पकड़ सकते हैं। यू आर राइट मिस पाटिल, इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आज नहीं तो कल मुन्ना हमारे हाथ लग ही जाएगा।
घर किधर जा रहे हो आप? इधर घर नहीं है हमारा। रोको टैक्सी। हमने कहा ना रोको टैक्सी, रोको। अरे रुकते क्यों नहीं? हमने कहा रोको टैक्सी। डरो मत माँ। मुन्ना भैया, माँ माँ तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। एक बार गाली लगा दे माँ, बस एक बार। राधा नीचे उतरो। पर माँ, मैंने कहा ना नीचे उतरो। माँ थोड़ी देर भैया से मिल तो लो। मर गया तुम्हारा भैया। माँ। हाँ मर गया तुम्हारा भैया, और ये जो सामने है ये खूनी है, भागा हुआ मुजरिम है ये। ऐसे गुनाहगार से हमें बात नहीं करनी, नीचे उतरो। ऐसा मत कहो माँ, भैया से थोड़ी देर तो मिलो, वो बहुत कष्ट में है। तो कह दे अपने भैया को, अगर ये कष्ट में है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे और चढ़ जाए फांसी, इससे इसके कष्ट मिटेंगे ही, हमारे कष्ट भी दूर होंगे, चैन की सांस ले सकेंगे हम लोग। इसकी वजह से पुलिस वालों ने हमसे कैसे कैसे सवाल किए, कितनी बेइज्जती की हमारी। अरे इसके पापों की सजा हम क्यों भुगतें? चढ़ जाए फांसी। चलो उतरो नीचे, उतरो राजा। माँ मैं फांसी चढ़ जाता, लेकिन मैं बेगुनाह हूं। लेकिन दुनिया तो तुझे ही गुनहगार समझती है। माँ सारी दुनिया मुझे गुनहगार समझती, लेकिन कम से कम तू तो मुझे गुनहगार मत समझ। माँ मैंने अरिना शुक्ला का खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। तो फिर भागा क्यों था? कानून से गुनहगार भागते हैं, बेगुनाह नहीं। माँ अगर मैं नहीं भागता ना तो यही तेरा कानून मुझे गुनहगार की मौत मार देता, और गुनहगार की मौत मैं मरना नहीं चाहता। जब तक तेरे सर से कातिल की मां होने का कलंक और राधा के सर से कातिल की बहन होने का दाग मिटा नहीं देता, तब तक पुलिस के हवाले नहीं करूंगा अपने आप को। सब ठीक हो जाएगा, तू हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल, हम उन्हें बताएंगे कि तुम निर्दोष हो, उन्हें हमारा विश्वास करना होगा। चल चल पुलिस के पास चल। नहीं मां, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेता तब तक मैं भागता रहूंगा, और यही मेरी नियति है। ये नियति नहीं, कायरता है। तू कायर है, तुझ में दुनिया का सामना करने का साहस नहीं। नहीं मां। कह मुझे मां, जब तक ये दाग तेरे सर पर लगा हुआ है तब तक मुझे मां मत कह। मैंने कहा ना मां, मैं तेरे सर से ये दाग हटा दूंगा। तो पहले दाग हटा फिर हमें मां कहना। जब तक तुम्हारे दामन में ये दाग है तू हमारा बेटा नहीं, हम तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शेंगे। चलो राधा। अच्छा मां, मुझे अपना आशीर्वाद देती जा मां। भैया मत रो राधा,
माँ का ख्याल रख। अगर पुलिस ने हमें इसके साथ फिर देख लिया तो न जाने और कितनी बेइज्जती करेगी। अपना ख्याल रखना भैया। चलो राधा। खेल के मैदान में आकर क्यों खड़े हो गए हो? हम खेल रहे हैं, हमें खेलने दो। क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे कुछ और खेलने के लिए? पहले ये खेल खेलना तो अच्छी तरह से सीखो बच्चों, फिर दूसरा खेल खेलने की कोशिश करना।
तुम ही हो ना रॉकी। अनुज के पापा रॉकी के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा आई कार्ड वापस करने आया। ये आपके पास कैसे आया? अस्पताल में गिरा कर आया था, वहीं से मिल गया। और मिला नहीं, पता लगाते लगाते हासिल किया है मैंने। मैं पता लगा रहा था कि मेरे बेटे अनुज के बेड के नीचे टाइम बॉम्ब किसने लगाया है, कौन कौन उससे मिलने आया था। और पता लगाते लगाते तुम्हारा ये आई कार्ड मिल गया मुझे। मॉर्निंग, ये रजिस्टर देखकर बताइए कि उस दिन अनुज के कमरे में उससे मिलने कौन कौन आया था। सर उस दिन अनुज से मिलने उसके दोस्त आए थे। Are you sure? और कोई नहीं आया था? सर आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनके अलावा किसी और को नहीं देखा था। आपने किसी और को अनुज के कमरे में जाते हुए देखा? सर मुझे ठीक से याद नहीं है। सोते हुए काम करते हैं आप लोग। कोई आता है और अस्पताल में बम लगाकर चला जाता है और आप लोगों को भनक तक नहीं मिलती, तब जागेंगे नींद से आप लोग। 8 घंटे की ड्यूटी किसी भी तरह निभाने की मानसिकता से कब निकल पाएंगे आप लोग? या आप लोगों का आलसीपन, आप लोगों का निकम्मापन, आप लोगों की उदासीनता, या आप लोगों की लापरवाही किसी दिन औरों के लिए नहीं आपके लिए भी मुसीबत बनकर आ सकता है। सॉरी सर। सॉरी सर। सर उस दिन अनुज के इस कमरे के पास से मुझे आई कार्ड मिला। तो तुमने ही अनुज के बेड के नीचे टाइम बॉम्ब लगाया था। पागल हो गए आप, बकवास कर। टाइम बॉम्ब लगाया था या नहीं? तो क्या करने गए थे अस्पताल में? अनुज से मिलने? मगर तुम्हारी तो उससे दुश्मनी थी ना, तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर उसे मारा था ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं अपने तरीके से समझाने लगूंगा ना रोके, तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मगर दुआ करो कि उसकी नौबत ना आए। देखिए, आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। ना तो हमने अनुज को मारा है और ना ही टाइम बॉम्ब लगाया। क्या सबूत है आपके पास? फौजी सबूत नहीं ढूंढता, फौजी दुश्मनों को ढूंढता है और दुश्मनों को ढूंढकर उसे खत्म कर देता है। मुझे तुम लोगों के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढना। अगर जिस दिन मुझे यह पता लगेगा कि तुम लोग अब सुधरने वाले नहीं हो, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसलिए दुआ करो कि वो दिन कभी नहीं आए। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को सलाह देने आया हूं। जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस राह पर तबाही, अतबाही और तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। अभी तुम लोग सिर्फ एक पौधे हो, पौधे। पूरा वृक्ष बनना है तुम लोगों को। अच्छे वृक्ष बनो, वरना जड़ समेत उखाड़ दिए जाओगे। और एक बात ध्यान रखना कि अब मेरी निगाहें तुम लोगों पर है, और जहां फौजी की निगाहें होती हैं, वहां कोई गलत हरकत नहीं हो सकती। रॉकी ने अनुज को मारने के लिए बम लगाया था। भगवान करे कि अनुज जल्दी ठीक हो जाए और कॉलेज वापस आ जाए, वरना इलेक्शन की तैयारी हम अकेले कैसे कर पाएंगे? हाँ यार, मैं तो रोज दुआ करता हूँ कि या परवरदिगार
जल्द से जल्द अनुज को ठीक कर दे। सूरज, 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 जानते हो अनुज के बेड के नीचे टाइम बॉम्ब किसने लगाया था? किसने? रॉकी और उसके साथियों ने। रॉकी? हाँ। ये तुम्हें कैसे पता चला? अनुज के पापा आए थे रॉकी से मिलने, मैंने उनकी बातें सुनी। ने अनुज की जान लेने की कोशिश की, उसको इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, रॉकी को सजा मिलनी चाहिए और उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रॉकी और उसके साथियों ने बम फोड़ने की कोशिश की थी ना, अब हम रॉकी और उसके साथियों को फोड़ेंगे। चलो चलो, चलो मेरे साथ। रॉकी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने अनुज के बेड के नीचे बम लगा के उसे मारने की कोशिश की? है हिम्मत, क्या करेगा तू? हाँ, इतना मारेंगे कि तुझे और तेरे साथियों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। मारो इन्हें। मारेगा रॉकी को? हाँ, तू हाथ उठाएगा रॉकी पे? ए, मारो इन सबको, और अगर इन्होंने वापस जवाब दिया तो उतार दूंगा इसकी खोपड़ी। मारो इन्हें। तो यही मर्दानगी है तुम्हारी, लेकिन याद रखो, गीदड़ के हाथ में हथियार आ जाने से वो शेर नहीं बन जाते। लो, वो गन मुझे दे दो। ये गन है कर्नल, खिलौना नहीं, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। ये गन से खिलौने की तरह खेलते हुए पूरी जिंदगी बीत गई है मेरी। लो, ये खिलौने मुझे दे दो, ये बच्चों के खेलने के खिलौने नहीं है। सुना नहीं, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। अंकल, आगे मत बढ़ना। काटा बना दिया तुम लोगों ने। ये तुमने अच्छा नहीं किया कर्नल। हथियार रखते हो, दादागिरी करते हो। तुमने रॉकी पर हाथ उठाया, अब इसका अंजाम देखना तुम। पहले अपनी हालत तो देख रॉकी, एक थप्पड़ सही पड़ गया तो दुनिया से उठ जाओगे। ना तो तुम्हारे हाथों में दम है, ना तुम्हारे गन में दम है।
मगर दंभ बहुत है तुम लोगों में, घमंड बहुत है तुम लोगों में। कुछ दिन हवालात में रहोगे तो सुधर जाओगे। मैंने कहा था ना कि बुराई का रास्ता छोड़ दो, मगर तुम लोग नहीं माने। कुछ दिन जब जेल की कोठरी में काट कराओगे तो आशा करता हूं सुधर जाओ। और जानते हो तुम्हारे हाथों में दम क्यों नहीं है, तुम्हारे हथियारों में दम क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोग अपराधी हो, आतंकवादी हो, और आतंकवादी बुजदिल होता है, खोखला होता है। तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे हथियारों में दम तब आएगा जब तुम्हारे ये हाथ, तुम्हारे ये हथियार देश की सुरक्षा के लिए उठेंगे, समाज के लिए उठेंगे। समझ में आई मेरी बात? सूरज, इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दो और इनके ये सारे हथियार भी जमा करवा दो। इंस्पेक्टर, तुझे क्या लगता है रॉकी को सलाखों के पीछे डालकर तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया? तीर नहीं मारा, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी तूने। एक बार बाहर आने दे, फिर तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा मैं। ये तू नहीं बोल रहा, तेरे ऊपर जिनका हाथ है ना उसकी ताकत बोल रही है, वरना तेरी औकात ही क्या है कि मेरे साथ तू ऐसा बोल सके। और जिस दिन तेरे सर से उस आका का हाथ हट गया ना, उस दिन तू मुझसे ऐसे नजरें भी नहीं मिला पाएगा। और तूने क्या बोला, मेरा हाल बुरा करेगा? पहले तू ये सोच कि मैं तेरे साथ यहां क्या करूंगा। इंस्पेक्टर देव तेरे जैसे अपराधियों के साथ दो ही तरीके अपनाता है, या तो एनकाउंटर या इतनी बुरी तरह मारता है, इतनी बुरी तरह कि आदमी जिंदा लाश बनकर पूरी जिंदगी बिताता है। देव के बच्चे, ये अपने बोल वचन बंद कर, समझा? छोड़ देख ले नहीं तो। साहब हाथ छोड़। मैं तो हाथ छोड़ा ले। इंस्पेक्टर हाथ छोड़, मैं बोलता हूँ। बोलो। अब बोल, कहाँ तेरी बोलती बंद हो गई? देख, अभी भी बोल रहा हूँ। बाहर आया ना? देव, हाथ छोड़ो इसका। इंस्पेक्टर, इसको बोलो हाथ छोड़ दे, वरना सब पछताओगे। मैं बोल रहा हूं, इट्स माय ऑर्डर, लीव द हैंड राइट नाउ, छोड़। बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा तू। जब एक पुलिस ऑफिसर को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसे जज्बाती रहकर कोई फायदा नहीं है। I'm sorry sir, पर आपने देखा ना कि वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके ज़बान खुली है, हाथ खुले, लेकिन हमारे हाथ बंद हैं। इसलिए हमें हर कदम कानून के दायरे में रहकर उठाना है। आओ दे, बैठो और शांत हो जाओ। सर एक बात बताऊं मैं आपको, जब से मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की ना, तब से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि मुझे अपनी मजबूरी का एहसास ना हुआ। एक तरफ तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं कि अपराध को समाज से खत्म करना, और दूसरी तरफ हमारे ही हाथ बांध देते। सर जो कानून अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाए गए थे, आज वही कानून अपराधियों को छुड़ाने के काम में आते। देखिएगा सर,
अभी किसी का ऊपर से फोन आएगा और हमें इसे छोड़ देना पड़ेगा। और यह बड़ी शान से हमारी आंखों में आंखें डाल के सीना तान के यहां से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर सच तो यह कि यह वर्दी हमें नपुंसक बनाती है। सर मेरी बात मानिए, ऊपर से किसी का फोन आए इससे पहले इन सबका एनकाउंटर कर देते हैं। बोल देंगे ये आपसे मुठभेड़ में मारे गए तो हम मेरे अपराधी में फर्क क्या रह जाएगा। देखो देव, कानून किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है। कानून होता है अपराधियों को सजा देने के लिए, ताकि वो लोग सुधर सके, सही रास्ते पर आ सके। पर सर ऐसा कानून कहां कर पा रहा है? कर पा रहा है देव, कर पा रहा है। आज भी लोगों के मन में कानून का डर है, इसलिए कोई भी गैर कानूनी काम करने से पहले लोग हजार बार सोचते हैं। देखो अगर कानून नहीं होता ना तो हमारा समाज खत्म हो गया होता, हमारे देश में जंगल राज होता। सर ये बात सिर्फ आम लोग भी लागू होती, सफेद पोश अपराधी अभी भी खुले आम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक गरीब आदमी अगर सूखी रोटी भी चुरा लेता ना सर तो उसको इतनी बुरी तरह मारा जाता है कि वो रोटी खाने लायक तक नहीं रहता। और सफेद पोश अपराधी करोड़ों का घोटाला करते हैं सर, करोड़ों का, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। इस कानून की बात कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि कुछ ऊंची पहुंच वाले लोगों ने कानून को खिलौना बनाया हुआ है, फिर भी कानून सबके लिए एक है। क्योंकि जब कानून की चाबुक चलती है ना देव, तो वो अपराधी की हैसियत नहीं देखते, उसके लिए अपराधी की पीठ सिर्फ और सिर्फ अपराधी की पीठ होती है और कुछ नहीं। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें लड़ना होगा, वो भी कानून के दायरे में रहकर लड़ना होगा, चाहे इसके लिए हम शहीदी क्यों ना हो जाए, लेकिन आखिरी सांस तक इस समाज की अपराध से रक्षा करनी होगी देव। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभिमन्यु सिंह सर, सर लेकिन वो तो जी सर। कांस्टेबल रॉकी को छोड़ दो। रॉकी ये पुलिस वाले दोबारा हमें पकड़ने की गलती कभी नहीं करेंगे। और अगर ये गलती इन्होंने दोबारा गलती से भी की तो इस शहर में इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रॉकी देख इंस्पेक्टर देव का चेहरा देख, कैसे चूहे जैसा बन गया है। क्यों इंस्पेक्टर देव, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे ज्यादा देर हवालात में नहीं रख पाओगे। मेरा दिमाग मत किसका, वरना तू एक कदम भी यहां से बाहर नहीं रख पाएगा। उतार दूंगा तेरे भेजे में एक गोली। समझाओ इसे, समझाओ। नए पंछी को इतना ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए, वरना हलक में उंगली डाल के जबान निकालना भी जानता। कूल डाउन। और तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो। आउट।